नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी भारत। मैं हूं आपके साथ सुश्री पांडे। नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना आज। कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों के साथ में शुरू होगी वोटों की गिनती। गुना में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे शिवराज। पक्का मकान, पढ़ाई और 6 महीने तक गुजारा भत्ता दिए जाने का आश्वासन। मध्य प्रदेश में उमा भारती की वापसी को लेकर अटकलें तेज। चुनावों को लेकर उमा भारती का बड़ा बयान। प्रदेश में प्याज की कीमतों में आई कमी। सीएम शिवराज बोले, किसान चिंता ना करें, उन्हें मिलेंगे पूरे दाम। सिवनी में बकाया राशि वसूलने गए बिजली कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट। हेल्पर और महिला लाइनमैन को आई गंभीर चोटें। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। मतगणना लंबी गहमागहमी के बीच में प्रदेश में हुए उपचुनाव की मतगणना आज होने जा रही है। प्रदेश के 28 सीटों पर हुए मतदान का आज फैसला हो जाएगा। उपचुनाव दोनों ही पार्टियों कांग्रेस और भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। भाजपा जहां अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक सीटें जीतना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक वहीं से टूटकर आए हैं। मतगणना के लिए हर जिले में तैयारियां पूरी हैं और 9 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। कोरोना का असर मतगणना पर भी दिखाई देगा, जिसकी वजह से नतीजों में कुछ देरी होने की संभावना बन सकती है। पोलिंग बूथ पर भीड़ रोकने के लिए 1000 मतदाता के नियम के कारण सहायक मतदान केंद्र बनाने पड़े हैं, जिसकी वजह से 285 सहायक पोलिंग बूथ का लोड बढ़ गया है, जिसका असर मतगणना पर पड़ेगा। इसकी वजह से नतीजे आने में देरी हो सकती है। अनुमान के मुताबिक ये देर 3 घंटे की हो सकती है। मतगणना 14 टेबल पर होगी और पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, तो इस बार विधायकों को जरा देर तक इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार की तर्ज पर शिवराज सरकार ने स्टॉक लिमिट तय कर दिया है, जिसके बाद प्याज की कीमतों में कमी आई है, जिसकी वजह से आम जनता ने राहत की सांस ली है, लेकिन किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच में आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आ चुका है। सीएम शिवराज ने कहा कि प्याज की कीमत कम होने से हमारे किसान भाइयों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, किसानों को प्याज के पूरे दाम मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी विजय के प्रति आश्वस्त है। प्याज की कीमतें पिछले दिनों मध्य प्रदेश के प्रमुख मंडियों में कम होना शुरू हुई है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि किसान को उसके परिश्रम का पूरा दाम मिले। अगर किसान को थोड़े ज्यादा दाम मिलते हैं तो किसान 50 पैसा और 1 रुपया में भी तो प्याज बेचता है, उसको उसके उत्पाद की पूरी कीमत मिलनी चाहिए। लेकिन हम ये भी करेंगे कि उपभोक्ता को सस्ता मिले। रिटेल में कीमतें ज्यादा हो जाती है, किसान को भी उतना दाम नहीं मिलता, और बीच में कुछ लोग मुनाफा कमाते हैं। इसलिए हमने स्थिति पर नजर रखने को कहा है। प्याज के दाम ठीक मिले किसान को, इसकी चिंता भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में मिट्टी के मोल बिके, ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो उपभोक्ता भाई बहन हैं, रिटेल और थोक में अंतर बहुत है, उनको भी ठीक दम कम दर पर ठीक दाम पर मिले, इसकी चिंता भी हम करेंगे। भोपाल चुनावों को लेकर उमा भारती का एक और बयान आया। उमा भारती ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी और जहां से मेरा मूड होगा वहां से चुनाव लड़ूंगी। उमा भारती ने विदिशा में भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। इसी बीच पत्रकारों ने सवाल पर उन्होंने अपना बयान दिया। बीते दिनों उपचुनावों के दौरान भी उमा भारती काफी सक्रिय दिखाई दी। उन्होंने कहा था कि यूपी में भी मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मैंने मुख्यमंत्री बनने से मना कर दिया था, लेकिन अब मुझे प्रचंड राजनीति करनी है, लेकिन इसलिए 2024 में वो चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद से ही उनके मध्यप्रदेश वापसी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। अरे तो बता तो दिया तुमने, तो सुना होगा टीवी पे, मैं तुम्हें बता जो कि हाँ यहाँ मैं चुनाव लड़ूंगी ना, इस बात हो गई है। मेरे को जहाँ से मूड मेरा ठीक रहेगा वहाँ से। राजधानी भोपाल के सूखी सवनिया इलाके के गांव बरखेड़ी में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। यहां मिट्टी खोदने गए 4 बच्चों की मिट्टी में धंसने से मौत हो गई। सूचना के मुताबिक गांव के 7 बच्चे मिट्टी खोदने गए थे। मिट्टी खोदते खोदते अंदर गहराई में पहुंच गए थे। दबे बच्चों को मिट्टी से निकालकर हमीदिया अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन रास्ते में ही 4 बच्चों ने दम तोड़ दिया। 2 के हालात गंभीर हैं, दोनों का इलाज लगातार जारी है। सेंधवा में ग्रामीणों के लिए मुसीबत
बन चुका 6 साल का तेंदुआ आखिरकार वन विभाग की पकड़ में आ गया है। इसे पकड़कर पिंजरे में बंद करके जिसके बाद में इससे भयभीत लोगों ने राहत की सांस ली है। ये तेंदुआ सेंधवा में काफी दिनों से उत्पात मचा रहा था। तेंदुआ किसानों के मवेशियों को निशाना बना रहा था, जिससे ग्रामीण परेशान हो उठे। तेंदुए के आसपास होने की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बरपा था। वहीं तेंदुआ किसी इंसान या फिर बच्चे को अपना निशाना ना बना ले, ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग ने ऑपरेशन चलाकर इसे कब्जे में लेकर पिंजरे में बंद कर दिया। इंदौर में एक प्रेमिका का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। ये वीडियो इंदौर के परदेसीपुरा थाना इलाके का है, जहां पर प्रेमिका ने करीब 40 से 50 फीट ऊपर बने मार्ग संकेत गेट पर बैठकर जमकर ड्रामा किया। वो अपने प्रेमी को बुलाने की जिद करने लगी। आपको बता दें, लड़की का आरोप था कि परिजन उसकी मर्जी के बगैर शादी कर रहे हैं और युवती की इस हरकत से काफी भीड़ जमा हो गई थी। आपको बता दें, पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा, जिसके बाद उसकी काउंसलिंग करके परिवार वालों को सौंप दिया गया। मध्य प्रदेश में ढोंगी बाबाओं की खैर नहीं। नरसिंहपुर के ढोंगी बाबा धर्मदेठ के ठिकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बाबा के अवैध निर्माण को ढहा दिया। आपको बता दें, धर्मदेव बाबा के खिलाफ में गांजा तस्करी और सेवन के अलावा नाबालिगों और युवतियों से यौन शोषण के आरोप में मामला दर्ज किया गया। सुवातला थाने में 4 मामले दर्ज होने के बाद करीब 2 महीने बाद आज प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने पहुंचकर बाबा के आश्रम के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है। ये धर्मेंद्र दुबे नाम का व्यक्ति था, जिसके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी माह अगस्त में। शिकायत पे तत्काल संज्ञान लेते हुए जो है मामले पंजीबद्ध किए गए। महिला संबंधी अपराध NDPS और पॉक्सो अधिनियम के तहत विभिन्न मामले दर्ज किए गए, जिसमें तत्काल उसके खिलाफ गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। और उसके अलावा उसके पूरे जो भी अवैध गतिविधियाँ थीं, उसकी जाँच करवाई गई। और उसी के तारतम्य में आज जो अवैध अतिक्रमण था, उसके ऊपर आज की कार्रवाई ये सुनिश्चित की गई है, जिसमें जिस जितना भी अवैध मकान या अवैध जो भी चीज़ें उसके द्वारा बनाई गई थी, उस पर आज कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के विरुद्ध कई प्रकरण 376 इस तरह के कायम हुए हैं। इस कारण ये हटाया गया है और सरकारी जमीन खाली कराई जा रही है। ये कीमती भूमि है और कानून को तोड़ने वालों के विरुद्ध के हौसले पस्त करने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कार्रवाई। संगमरमर पत्थर के लिए विख्यात जबलपुर शहर में एक पत्थर ऐसा भी है जिसे बजाने पर घंटी जैसी आवाज आती है। पत्थर से घंटी की आवाज सुनने और इस अनोखे पत्थर के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ती है। ये दर्शनीय स्थल उपनगरीय रांची में बड़ा पत्थर के पास है। सूचना के मुताबिक इस चमत्कारिक पहाड़ी को दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित करके संरक्षित किया जा सकता है। प्रदेश में सिवनी में बकाया राशि वसूलने गए बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला उजागर हुआ। दरअसल आपको बता दें, लखनादौन निवासी महेश पर 39,000 बकाया था, जिसे लेकर कई बार भुगतान के लिए बिजली विभाग ने नोटिस जारी किया, जिसमें 4 दिन में भुगतान करने की बात कही गई थी। लेकिन भुगतान न होने पर अधिकारी बकाया राशि वसूलने पहुंचे, जहां महेश और उनके परिजनों ने मिलकर कर्मचारियों पर लाठियों से हमला बोल दिया, जिसमें ड्राइवर हेल्पर और महिला लाइनमैन को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। और इस मामले पर शासकीय कार्य में बाधा डालने को लेकर भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ MP भारत में बस इतना ही। नमस्कार।